हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम मतलब हो चुका था, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुका था और फर्स्ट सीट अलॉटमेंट भी आ चुका था। ठीक है, 14 तारीख को आया था फर्स्ट सीट अलॉटमेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, तो जिसका एडमिशन का डेट था 17 से 19 अगस्त के बीच में आपको जाकर एडमिशन लेना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। तो आप नोटिफिकेशन मतलब नेट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं हम कि उसका जो सीट अलॉटमेंट आया था वो सीट अलॉटमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है। हम आपके सामने एक मैसेज दिखा देते हैं, इस मैसेज में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप मैसेज देख सकते हैं कि ये मैसेज आया है अभी, तो इस मैसेज को हम सीधा दिखा देते हैं आपको कि ड्यू टू टेक्निकल एरर सीट अलॉटमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ DCEC 2019 इज हेयर बाई पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस और रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट विल बी पब्लिश्ड सून। मतलब कि इसके बाद जो सीट अलॉटमेंट जो आ चुका था ना, वो मतलब इनवैलिड हो चुका है अब। तो आपको नए तरीके से नया कॉलेज, नया ब्रांच हो सके तो मिल सकता है, जो आपको नया वाला सीट अलॉटमेंट आएगा उसमें। अब ये पता नहीं क्या टेक्निकल एरर यहाँ पे आ रहा है बार बार हमारे बिहार की वेबसाइट पे, क्योंकि UGEAC का भी ये सेम प्रॉब्लम है, उसमें भी ये टेक्निकल एरर आने की वजह से 3 दिन लेट हो चुका है वो। तो इसका तो अभी डेट लिखा हुआ कि डेट विल बी नोटिफाइड सून, मतलब अभी कोई इसका डेट कुछ पता नहीं है, बस ये नोटिफिकेशन मैसेज भी आ चुका है और आपको हम नेट पर भी दिखा देते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू टू टेक्निकल एरर सीट अलॉटमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ DCEC 2019 इज पोस्टपोन्ड। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा आपको, जो यहाँ पे आ रहा था अप्लाई ऑनलाइन या फिर काउंसलिंग का जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा था, काउंसलिंग करने वाला, सीट अलॉटमेंट चेक करने वाला, वो हट चुका है यहाँ से। तो मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। आपको हम UGEAC वाला भी दिखा देते हैं, इंजीनियरिंग वाला, BTEC वाला। ठीक है, इसमें भी आपको सेम चीज़ दिख रहा है आपको, मतलब सेकंड राउंड का 13 अगस्त को डेट था, बट वो इंक्रीज करते करते आज 16 अगस्त भी पार हो चुका, आज तक भी नहीं आया, अब ये पता नहीं कब आएगा। और इसका भी डेट था लगभग 17 से 19 के बीच में सेकंड राउंड का एडमिशन लेने के लिए। तो अब इसका डेट आगे बढ़ेगा या फिर पता नहीं क्या होगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अब तक, बस यही दिखा रहा बार बार। ठीक है, तो ये रही हमारी बिहार की व्यवस्था। और हाँ, इसके साथ साथ आप सबको बता दें कि काउंसलिंग, ये जो ITI का कुछ लोग पूछ रहे थे हमसे कि ITI का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पर जाके शेड्यूल देख सकते हैं इसका कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले। तो बस ये पॉलिटेक्निक वाला जो अभी है लेटेस्ट न्यूज़ है, आप अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए कि बहुत लोगों ने दूर दिन का है वो टिकट भी बुक कर चुके हैं ऑलरेडी जाने के लिए, या फिर परेशान होंगे तो उनको बोल दीजिए आप रिलैक्स हो जाओ, आराम से सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो। ठीक है, तो बस यही न्यूज़ आप सबको बतानी थी। और आप हमारे फेसबुक पर आ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप फेसबुक पर कुछ पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर जैसे इसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन आता है, हम आपको फटाक से फेसबुक के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं उसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू।